खबर लक्सर से है, जहां पोलियो प्रतिरक्षण अभियान को सफल बनाने स्वास्थ्य विभाग ने सीएचसी सभागार में बैठक आयोजित की। बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल विकास विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान सीएचसी प्रभारी डॉक्टर अनिल वर्मा ने कहा कि 19 जून से शुरू होने वाले पोलियो प्रतिरक्षण अभियान में 0 से 5 साल तक के 21,000 बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाया जाएगा, जिसके लिए लक्सर और खानपुर क्षेत्रों में 195 पोलियो बूथ बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारा 19 जून से शुरू है और इसमें हमारे 154 बूथ बनाए गए हैं लक्सर में और 54 हैं हमारे खानपुर ब्लॉक में। हमारा ICDS और ब्लॉक से ये हमारा समन्वय में बना गया कि वहाँ एक मीटिंग करेंगे, जो कि प्रधान या अन्य हमारे गण मान्य व्यक्तियों से ले कि वो हर घर घर की जा कर के सपोर्ट करवाएंगे और जितने भी बूथ होंगे उनका उद्घाटन करेंगे। और ICDS से ये हमारा कि वो गांव में जाकर के एक उनके 0 से 5 साल तक की लिस्ट होती है उनके पास, ताकि वो एक तरह से उनकी गणना कर लें कि हमारा बच्चा कोई छूट ना जाए और बूथ पे इसको लेकर के आएंगे ताकि हम हर बच्चे को टैली कर लें। ये पल्स पोलियो अभियान के तहत आज यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र में एक बैठक रखी गई थी। इसमें 19 तारीख से पल्स पोलियो अभियान चलेगा और 1 सप्ताह तक चलेगा। 19 तारीख को प्राथमिक विद्यालयों में सभी बच्चों को कैंप लगा करके पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाएगी और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो इस अभियान में पूर्ण योगदान दें और 100% बच्चों को पोलियो की ड्रॉप पिलाएं।